टाइगर अपनी जल्द ही आने वाली फिल्म वॉर को हिट कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वॉर में गुरु और चेले बने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ इस मूवी में ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स करते हुए नजर आएंगे जिसे देख ऑडियंस के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। और अब जब फिल्म को रिलीज होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो टाइगर और फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को हिट कराने का नया फंडा ढूंढ लिया है। दरअसल ये दोनों एक्शन हीरो अब तक वॉर का प्रमोशन हर जगह एक साथ कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिल्म के मेकर्स ने ये फैसला लिया है कि अब वो इन दोनों की दुश्मनी ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी ऑडियंस के सामने रखेंगे। अरे अरे घबराइए मत, इन दोनों में कोई असल की वॉर नहीं शुरू होने वाली, बल्कि ये मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से अब ये दोनों साथ में वॉर का प्रमोशन नहीं करेंगे। दोनों ही अलग अलग रहकर अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे। रिपोर्ट्स के माने तो फिल्म निर्माता ये भी चाहते हैं कि ऑडियंस ऋतिक और टाइगर को पहली बार एक साथ सीधे फिल्म में ही देखे। इस बारे में फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि वॉर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो एक्शन सुपरस्टार नजर आने वाले हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि टाइगर और ऋतिक के फैंस उन्हें सिर्फ हॉल में एक दूसरे से भिड़ते देखें, इसलिए स्क्रीन पर दोनों की जो केमिस्ट्री है वो फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी दिखाई जाएगी। यानी भाई मानना पड़ेगा मेकर्स फिल्म को हिट कराने के लिए क्या क्या कर डालते हैं। वेल 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली वॉर का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो यकीनन मेकर्स के इस स्टेप के बाद हाई होने वाला है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।